हमारे घर के अंदर दिवाली का भी त्योहार जब बनता है तो हमें कोई बोला नहीं जाता कि हमारी बीवी बोले कि आज दिवाली है, हम खुद पूजा में खड़े हो जाते हैं। मंदिरों में चढ़ावा तब आता है जब आप उस मंदिर की मूर्ति को परमात्मा होने का दर्जा दे देते हैं, क्योंकि लोग समझते हैं कि साक्षात परब्रह्म परमात्मा इस मूर्ति में विराजमान है जी। वो अपनी उनकी श्रद्धा का एक तरह से दोहन होता है और वो बेचारे भोले भाले लोग वहाँ पर चढ़ावा चढ़ाते हैं, मनोती बनाते हैं और यहाँ आकर के परमात्मा की तुम पूजा करोगे, तुम्हारे मनोरथ पूरे होंगे, तुम एक दुकान खोल लेते हो। और ये काम कोई भी व्यक्ति करे, किसी धर्म संप्रदाय का व्यक्ति करे, वो परमात्मा के स्वरूप के साथ उसकी महानता के साथ बड़ा न्याय कर रहा है। जो वेदों के अनुसार स्पष्ट रूप से परमात्मा की मूर्ति नहीं हो सकती, यजुर्वेद का मैं मंत्र कोट कर रहा हूँ, आप मुझे इसका अर्थ बताइए, गलत है क्या? उस स्वरूप की न तस्य प्रतिमा अस्ति यस्य नाम महद्यश्च, यजुर्वेद कह रहा है की बात उस जहान परमात्मा की कोई मूर्ति। मैं आप सबों से क्षमा चाहूंगा, क्या आज आपको लगता है, चाहे आप राम की बात करें, कृष्ण की बात करें या साई बाबा की बात करें, इनमें से किसी की भी पूजा नहीं होनी चाहिए? परमात्मा की प्रतिमा बता करके वो साईं की मूर्ति की करें तो बहुत ही गंदा गलत है, और राम और कृष्ण की भी करें तो ये राम और कृष्ण के साथ भी अन्याय है। राम और कृष्ण ईश्वर भक्त थे जी, उन्होंने कभी दावा नहीं किया कि मैं ईश्वर हूँ और मेरी पूजा की जाए, ऐसी कोई बात नहीं है। इसमें मैं कहना चाहता हूँ स्वामी जी, हमारे देश में मूर्ति पूजा नहीं थी। बिल्कुल स्वामी जी। और सबसे अहम किताब हिंदू धर्म में है वेद। जब हम वेद, इसीलिए मैं हवाले देता हूँ, मैं कोई आलिम नहीं हूँ, मैं कोई पंडित नहीं हूँ, मैं अपने आप को तालिबे इल्म कहता हूँ, लेकिन मैं हमेशा हवाला देता हूँ, तो किसी को भी शक है, किसी को भी शुबा है तो घर पे जाके चेक कर सकता है, या इंटरनेट पे जाइए, आप टाइप करो, वेद भी इंटरनेट के ऊपर है, कुरान भी इंटरनेट के ऊपर है, टाइप करो, रेफरेंस टाइप करो, आपका हवाला मिल जाएगा। मेरा आपसे एक सवाल है, इस्लाम में हर गुनाह माफ है, लेकिन शिर्क की माफी क्यों नहीं है? अगर इंसान कत्ल करता है उसे माफी है, जिना करता है उसे माफी है, लेकिन शिर्क की माफी क्यों नहीं है? वैसे आपका सवाल है कि इस्लाम में सारे गुनाह की माफी है, शिर्क की नहीं। कत्ल करता है माफी है, जिना करता है माफी है, शिर्क की माफी क्यों नहीं? आप कुरान मजीद के बारे में जिक्र कर रहे जो सूरह निसा में है, सूरह नंबर 4 आयत नंबर 48 और आयत नंबर 116, इन दो आयतों में सूरह निसा सूरह नंबर 4 में लिखा है कि अगर अल्लाह चाहे तो कोई भी गुनाह को माफ कर सकता है, लेकिन शिर्क को कभी नहीं माफ करेगा, क्योंकि जो शिर्क किया है वो बहुत भड़क चुका है। तो इसमें ये नहीं लिखा है कि अब जिना करेंगे तो माफ करेगा ही, कर सकता है अगर आप तौबा करेंगे तो। अगर आप तौबा करते हैं कि मैंने जिना किया हूं, मैंने कत्ल किया हूं, मुझे माफ कर दे और इंशाल्लाह मैं आइंदा नहीं करूंगा, तो अल्लाह माफ करेगा। उसी तरीके से शिर्क भी, अगर आप शिर्क करते हैं और अल्लाह से माफी मांगते हैं कि मैं अगली बार शिर्क नहीं करूंगा, तो अल्लाह शिर्क को भी माफ कर सकता है, लेकिन शिर्क के हालत में मरेंगे तो माफी नहीं है। आप मुशरिक जैसा मरेंगे, शिर्क करते हुए मरेंगे तो माफी नहीं। अगर आपने शिर्क किया, लाइक आज आप देख रहे हैं, कल भी परसों भी कितने गैर मुस्लिम बुत परस्ती करते थे, शिर्क करते थे, मूर्ति पूजा करते थे, अभी मुस्लिम बन गए, अल्लाह ताला बेशक माफ करेगा। और जिस दिन आप इस्लाम कबूल किए, आपके पिछले गुनाह सारे माफ, आपका स्लेट क्लीन। मैं माशाल्लाह अभी 46 साल का हूं, अच्छे काम करता हूं, इंसान हूं, गलतियां भी करता हूं। आप अगर इस्लाम कबूल करे, आपका स्लेट क्लीन, मेरे तो स्लेट में तो काफी चीज ऊपर नीचे है। अगर आप इस्लाम कबूल करें तो अल्लाह के रसूल फरमाते आपके सारे गुनाह माफ, स्लेट इज क्लीन, तो आप एक साफ सुथरे मुसलमान बनते, इसके बाद हिसाब किताब शुरू होगा। मैं पूछना चाहता हूँ, आप मूर्ति पूजा में मानते हैं भाई साहब? जी मानते हैं। क्यों, आपको लगता नहीं गलत है? आप क्या हिंदू है? जी। आपके मजहबी किताब में लिखा है छंदों के उपनिषद में चैप्टर नंबर 6 अध्याय नंबर 2 श्लोक नंबर 1, एकम एविदित्यम, खुदा एक है, उसके अलावा कोई नहीं है। लिखा है सेता सेता उपनिषद में अध्याय नंबर 6 मंत्रा नंबर 9, नाचस्य कस्य जनिता न चदीपा, उस ईश्वर उस भगवान का कोई रब नहीं,
उसके कोई वालदेन नहीं। लिखा है स्वतः से उपनिषद में चैप्टर नंबर 4 मंत्र नंबर 19 में, न तस्य प्रतिमा अस्ति, उस ईश्वर उस भगवान की कोई प्रतिमा नहीं, कोई पेंटिंग ने, कोई फोटोग्राफ ने, कोई मूर्ति ने, कोई बुत नहीं। लिखा है यजुर्वेद में चैप्टर नंबर 32 वर्ष नंबर 3 में, मंत्र नंबर 3 में, न तस्य प्रतिमा अस्ति, उस ईश्वर उस भगवान की कोई प्रतिमा नहीं, कोई पिक्चर ने, कोई पेंटिंग ने, कोई फोटोग्राफ ने, कोई बुत ने, कोई मूर्ति ने। तो साफ तौर पे कई जगह आप हिंदू की मजहबी किताब में लिखा है कि मूर्ति पूजा गलत है, तो क्यों आप मूर्ति पूजा करते हैं? भाई साहब जी, इस बारे में मुझे सही तालीम नहीं है, मुझे थोड़ा वक्त चाहिए। मैं इतने हवाले दे रहा हूँ कि आपको लगता है कि मैं फेंकते जा रहा हूँ, हवाले के हवाले दे रहा हूँ, आप नोट कीजिए जी। आप लाइब्रेरी में जाइए, आपको वेद नहीं मिलता है तो हमारी लाइब्रेरी में जाओ, इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन, हमारे इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन में आपको वेद का तर्जुमा मिलेगा, महाभारत का तर्जुमा मिलेगा, भगवत गीता के कम से कम 30 तर्जुमे मिलेंगे, बाइबल मिलेगा, बाइबल का तर्जुमा मिलेगा, कुरान का तर्जुमा मिलेगा, हदीस का तर्जुमा मिलेगा। मैं नहीं जानता हूँ कहीं भी हिंदुस्तान में इतने मजहबी किताब का तर्जुमा मौजूद है। इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन में फ्री लाइब्रेरी, एयर कंडीशन में बैठो, फ्री पढ़ो, इंशाल्लाह आपको चाय पानी भी दूंगा मैं। चाय पानी रिश्वत नहीं है, तो क्या आप ठंडे दिमाग से, कभी ठंडा दूंगा कभी चाय पानी, तो आप अच्छे दिमाग से रिसर्च कीजिए। हमारे पास कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है, आप क्या जानना चाहते हैं वेद के ऊपर बटन दबाओ, मिलेगा आपको। किधर लिखा है मूर्ति पूजा हराम में? बटन दबाओ, कंप्यूटर में निकलेगा बाहर। वेद के कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है, बाइबल के कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है, कुरान के कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है, हदीस के। तो मैं आपसे दरखास्त करता हूँ कि आप रिसर्च कीजिए कि खुदा एक है, रिसर्च कीजिए कि मूर्ति पूजा गलत है, रिसर्च कीजिए कि आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, और मैं दुआ करता हूँ कि आपको हक जल्दी मिलें ताकि आप इस दुनिया और आखिरत में सफलता पाए। शुक्रिया।